ससुराल आए युवक की धारदार हथियार से मारकर की गई निर्मम हत्या। घूरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चौकी अंतर्गत कटरा में बीती रात ससुराल आए युवक को लोहे के रॉड से पड़ोसियों ने पीट पीट कर कर दी हत्या। मिली जानकारी के अनुसार घूरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चौकी अंतर्गत कटरा में बीती रात लगभग 10:30 बजे अब्दुल रज्जाक पुत्र जुम्मन उम्र 35 वर्ष निवासी सिकंदरा थाना बहरिया जिला प्रयागराज अपने भांजे अरबाज उम्र 19 वर्ष के साथ ससुराल घूमने आया था। उसी दौरान अब्दुल रज्जाक के ससुर नौशाद और सास जरीना बानो ने पड़ोसियों से किसी बात को लेकर वाद विवाद होने लगा, जिस पर बीच बचाव करने आए नौशाद के दामाद को पड़ोसियों ने लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। तब तक पीटते रहे जब तक अब्दुल रज्जाक मरणासन्न नहीं हो गया। जब पड़ोसियों को लगा कि नौशाद का दामाद अब्दुल रज्जाक मरणासन्न हो गया है तो उसको छोड़कर घर से फरार हो गए। इसी दौरान किसी ने घूरपुर पुलिस को सूचना दी, जिस पर तत्परता दिखाते हुए घूरपुर और कर्मा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अब्दुल रज्जाक और उसके साथ मोहम्मद अरबाज को अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने अब्दुल रज्जाक को मृत घोषित कर दिया और घायल मोहम्मद अरबाज को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जबकि अब्दुल रज्जाक की सास जरीना बानो ने बताया कि पड़ोसियों ने आए दिन वाद विवाद गाली गलौज मारपीट करते रहते हैं, जबकि गुरुवार को ही सुबह अब्दुल रज्जाक के ससुर नौशाद और पड़ोसियों में नोकझोंक हुई थी, जिस पर पड़ोसियों ने नौशाद की पिटाई कर दी। तब मामला कर्मा पुलिस चौकी पहुंचा, जहां पर आपस में सुलह समझौता करके घर वापस आ गए, लेकिन शाम को फिर विवाद शुरू हो गया, जिसका नतीजा यह निकला कि पड़ोसियों ने मेरे दामाद अब्दुल रज्जाक की जान ले ली। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं राजेश सोनकर की इस खास रिपोर्ट में। कल शाम को आपके एक रिश्तेदार की हत्या हो जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये किस तरह से उनकी हत्या की गई? इन लोग हमेशा बुलाई बुलाई के हमेशा इन लोग लड़ाई झगड़ा मार पीट हमेशा करत रहते हैं। कौन लोग कर रहे थे लड़ाई? मकसूद की बेटी, उनका बेटा, और इन लोग जो है कल शाम के भी लड़ाई भी रही तो पुलिस आई रही, लेकिन पुलिस जाए के बाद शाम के जो आए रात 10 बजे 10:30 बजे रात जो है घसीट के ले गए और जान से मार दे। पहले मार पीट ऐसे करें पल्ली से पटरी से सबसे मारे डंडा लाठी से, उसके बाद जो है ले गए ने उसे जान से घसीट के ले गए, जान से मार के खत्म कर दिए। तो जब वो लोग घटीस के अपने घर ले जा रहे थे, आप लोग घर पे थे? हम लोगों को भी घसीट के मार रहे थे, क्या एक लोग थे क्या वो लोग, कई लोग मिल के मार रहे थे हम लोगों को। ये कितनी समय की घटना है? ये लोग 8 बजे मारपीट किए थे, एक बार हुआ था उसके बाद ये 10 बजे रात जान से मार डाले घसीट के ले जाकर। जब इनको जान से मार दिया गया तो उसके बाद आपने क्या किया? हमने क्या किया, आप जब वो जान से चले गए तो हम लोग रोने लगे, उनको देख के चिल्लाने लगे, पुलिस आई, हम लोग सोचे अभी इनकी जान है जल्दी से लेके पुलिस को बुलाए कि ले जाए इनको हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल ने जवाब दे दिए कि इनके जाने नहीं है, तब लेकर मेडिकल चले गए। तो डेड बॉडी अभी तक आई या नहीं आई? अभी नहीं आई है, पोस्टमार्टम में। आपका परिचय, अपना नाम बताएं, अपना नाम बताएं। शाहीन। कौन सा गांव? नई बाजार।